नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज है एकादशी की दिव्य तिथि, ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी। श्री हरि की कृपा का सबसे उत्तम दिन है एकादशी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है। कहते हैं श्री हरि की कृपा से हर परेशानी का अंत हो सकता है। फिर चाहे आप पापों से मुक्ति चाहते हो या धन प्राप्ति का वरदान, या फिर आपको चाहिए एक उत्तम संतान। अपरा एकादशी पर श्री हरि के किस रूप की उपासना आपके लिए वरदान बन सकती है, देखिए। ज्येष्ठ महीने का परम कल्याणकारी व्रत, अपार नाम यश देने वाली अपरा एकादशी, मनोकामना पूर्ति का महाव्रत, हरि कृपा दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। एक ऐसी एकादशी का व्रत जिसके प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ सकता है। ऐसा व्रत जो व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। देखिए, एकादशी अपरा एकादशी जो है सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, और ये इसमें व्रत का करने का जो विधान है वो है, या तो आप निराजल रहिए, अथवा यदि निराजल नहीं रह सकते हैं तो जल पी करके रहिए। जल पी करके यदि नहीं रह सकते तो फलाहार करके एकादशी रहिए। एकादशी व्रत जो है वस्तुतः ये भगवान राम भगवान विष्णु की यह तिथि मानी जाती है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। श्री हरि से मन चाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। शास्त्रों में एकादशी की महिमा का बखान किया गया है, और इस दिन श्री हरि की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। ज्योतिषी में एकादशी व्रत को बहुत महत्वता दी जाती है। माना जाता है कि ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप उसकी पूजा करते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से उनकी आराधना करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी शरीर शुद्ध हो जाती है। इसमें शरीर शुद्धि के साथ साथ आपको आध्यात्मिक और भौतिक जो प्रभाव है वो शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए एकादशी कोई भी व्रत हो, व्रत करने से इस प्रकार के फल की प्राप्ति। वैसे तो एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, परंतु अलग अलग एकादशियां विशेष प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। पालन करने से व्यक्ति की गलतियों की क्षमा मिलती है,
खास तौर से झूठ बोलने के पाप से और पाखंड से। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। चाहे आप शिव के उपासक हों, चाहे राम के हों, चाहे विष्णु के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे देवी देवताओं के किसी के उपासक हों, उनकी चिंतन करके और व्रत करिए। व्रत करने के बाद उस देवता की पूजा करिए। पूजा करने के बाद में मन वांछित फल आप मांगिए। यदि आप साक्षात भगवान के सानिध्य में जाना चाहते हैं तो साजू जी सालों के सादिश के सामीप्य ये चार प्रकार की मुक्तियां उसको प्राप्त होती है। इसलिए परा एकादशी जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, बहुत विलक्षण है, मन वांछित फल देने वाली है। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाए तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे, तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। अपरा एकादशी से जुड़े नियम हम आपको आगे बताएंगे। हर व्रत और उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं। अगर उनका ध्यान रखकर व्रत रखा जाए तो फल कई गुना ज्यादा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत में किन बातों के ध्यान रखने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपरा एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्द ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। सबसे प्रथम स्नान करके उनकी मूर्ति को स्थापित रखिए, सामने रखें, श्री हरि की मूर्ति सामने रखें, वह चाहे कागज में हो, चाहे किसी धातु की बनी हुई हो, चाहे मिट्टी की बनी हो, किसी न किसी प्रकार की मूर्ति होना जरूरी है। होने के बाद में तब आप कोटि उपचार पूजा करिए। पूजा करने के बाद में तब उसके बाद में आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद में आप कुछ जो मांगेंगे उनकी कृपा हो जाएगी। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। सावधानी यही है कि आप जल चाहिए कि आप केवल जल पी करके रहिए या बिना जल के रहिए या उसमें फल लेकर के रहिए। तो इस प्रकार से एकादशी जो आप निर्वहन कर सकें, यदि निराजल रह करके करते सबसे उत्तम है। यदि आप फलहार करके रहते तो वही जल पी के रहते तब भी है, और यदि आप फल कर खा करके रहते हैं व्रत तभी ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम यही है निराजल।
चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। अब जानते हैं आज अपरा एकादशी पर किन चीजों से आपको बचना चाहिए। तामसिक आहार व्यवहार तथा विचार से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें। मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर में लगाएं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास न रखें, केवल प्रक्रियाओं का पालन करें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए, नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। आगे जानिए श्री हरि कृपा पाने के महामंत्र। श्री हरि की उपासना में पाठ और मंत्र जाप का महत्व खास माना गया है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए किस पाठ से लाभ होता है और किस मंत्र के जाप से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और इस दिन ऐसा क्या करें, ऐसे प्रयास कौन से हो कि श्री हरि आपकी हर आस पूरी करे, आइए जानें श्री हरि की कृपा देने वाले महामंत्र। नारायण करेंगे आपका कल्याण, नारायण देंगे खुशियों का वरदान। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है एकादशी का व्रत। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से आपके जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और श्री हरि की कृपा पाने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र को भी अचूक माना जाता है। इस महामंत्र के स्मरण मात्र से सारे कार्य बाधा, दुख और संताप दूर हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं विष्णु गायत्री मंत्र और विष्णु पूजा की आसान विधि। पूजा आप सवेरे उठिए, स्नान करिए, चाहे आप गंगा में करिए, सरजू में करिए, या जिस भी नदी के किनारे वहाँ करिए, और नहीं तो अपने घर में स्नान करिए। स्नान करने के बाद में उसका चिंतन करिए और पूर्व दिशा में बैठ करके उसकी पूजा करिए। पूजा में जो है 16 प्रकार की पूजा होती है, उस पूजा को आप विधि विधान से करिए। आवाहनम, स्थापनम, पूजनम और धूप दीप नैवेद्य आरती, ये सब समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद में तब आप उनके आराधना के लिए प्रार्थना करिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको मन वांछित जो आप इच्छा करके यह व्रत करेंगे उसकी फल प्राप्ति होती है। श्री हरि की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। श्री हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। विष्णु गायत्री मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया। पूजा और मंत्र जाप के बाद भगवान की धूप दीप और कपूर से आरती करें, चरण अमृत और प्रसाद ग्रहण करें। वैसे तो विष्णु गायत्री मंत्र भगवान विष्णु की कृपा के लिए अचूक माना जाता है, पर इनकी साधना और उपासना के लिए और भी कई मंत्र बताए गए हैं जो और भी सरल हैं और कारगर भी। तो चलिए दिखाते हैं आपको उनमें से एक सरल मंत्र और उसके जाप की विधि। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद श्री हरि की आरती करें।
ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें। श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार है। संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त है। तो जो शक्ति हर ओर व्याप्त है, क्यों ना उनकी कृपा का लाभ उठाएं? तो एकादशी पर करें श्री हरि का ध्यान, आपका होगा कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारी इस खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।